दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आर्क टूल सर्कल टूल को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को बजाना न भूलें। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल के थ्रू हम लोग रेक्टेंगल को ड्रा करते हैं। एक बार और मैं रिपीट करा देता हूँ। रेक्टेंगल टूल आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना होता है। इसके बाद जितना बड़ा आपको रेक्टेंगल बनाना हो तो अपने हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं, उसका सेकंड पॉइंट क्लिक करते हैं जिससे आपकी रेक्टेंगल बनकर आ जाती है। अगर आपको रेक्टेंगल की साइज़ देनी होती है तो आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप रेक्टेंगल के साइज़ को देते हैं। जैसे अगर 2x3 का रेक्टेंगल अगर आपको बनाना है तो आप लिखते हैं 2, फिर कामा लगाते हैं, फिर दूसरे में आप 3 लिखते हैं, इसके बाद इंटर करते हैं तो 2x3 इंच में आपकी रेक्टेंगल बनकर आ जाती है। रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के लिए कमांड का भी यूज़ किया जाता है जिसे हम REC लिखकर और कमांड के थ्रू रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर सकते हैं। REC लिखकर आपको एंटर करना होता है जिससे आपके रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद आपको फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना होता है, फिर इसके लेंथ और हाइट को देना होता है। सपोज़ आपको 3x3 का बनाना होता है तो 3.3 देकर आप एंटर करते हैं जिससे आपके 3x3 की रेक्टेंगल बन जाती है। अगर आपको पूरी स्क्रीन पर पिक्चर ड्राइंग नहीं दिख रही है उसे देखने के लिए जूम ऑल का यूज़ करते हैं। जूम ऑल करने के लिए हमें Z दबाकर एंटर दबाना होता है, फिर A दबाकर एंटर दबाना होता है जिससे हमारी ड्राइंग पूरी स्क्रीन पर शो हो जाती है। तो इस तरीके से जूम ऑल आप कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट हम आर्क टूल को कवर करेंगे। तो दोस्तों आर्क टूल का यूज़ 3 पॉइंट क्लिक करके और हाफ सर्कल बनाया जाता है। तो हाफ सर्कल बनाने के लिए हम आर्क टूल का यूज़ करते हैं। इसके लिए आप आर्क सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना होता है, फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट क्लिक करना होता है, फिर थर्ड पॉइंट जितना आर्क आपको बनाना होता है घुमाकर थर्ड पॉइंट पर क्लिक करते हैं जिससे आपका आर्क ड्रा हो जाता है। आर्क को लेने के लिए ARC कमांड का हम यूज़ करते हैं। ARC लिखकर अगर आप एंटर करते हैं तो आर्क टूल सेलेक्ट हो जाता है जिसे हम फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट क्लिक करके आर्क बना सकते हैं। जनरली दोस्तों आर्क का यूज़ डोर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए हम सीखते हैं डोर का सिंबल कैसे बनाते हैं। डोर का सिंबल बनाने के लिए सबसे पहले हम आर्क को लेते हैं। आर्क को लेने के बाद सपोज़ ये आपकी रेक्टेंगल है, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये क्लिक करते हैं, सेकंड पॉइंट जहां आपको डोर बनानी होती है वहां क्लिक करते हैं, फिर थर्ड पॉइंट आपको जितना डोर का शेप बनाना होता है थर्ड पॉइंट क्लिक करते हैं जिससे आपकी डोर की सिंबल बन जाती है। जितना स्क्रीन में एक्स्ट्रा लाइन शो कर रहा है इसे काटने के लिए हम ट्रिम टूल का यूज़ करते हैं जो कि पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। ट्रिम को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके एंटर बटन दबाते हैं, एंटर दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइन होते हैं क्लिक करके इसे हम कट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी आर्क टूल के थ्रू डोर की सिंबल बन जाती है। नेक्स्ट टूल को हम कवर करेंगे जो टूल आपका है सर्कल टूल। सर्कल टूल का यूज़ सर्कल ड्रा करने के लिए होता है। सर्कल ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम सर्कल को सेलेक्ट करते हैं। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आपको पेज पर जहाँ ड्रा करना होता है आप फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद सर्कल के रेडियस को देते हैं। जितना बड़ा आपको सर्कल बनाना होता है इनर रेडियस आप भरकर एंटर करते हैं। सपोज़ 1.5 रेडियस की अगर आपको सर्कल बनानी है तो 1.5 लिखते हैं और एंटर कर देते हैं जिससे 1.5 रेडियस की सर्कल बन जाती है। अगर आपको बिना मेजरमेंट का बनाना होता है तो आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं, फिर जितना बड़ा बनाना हो तो उतना बड़ा साइज सेट करके सेकंड पॉइंट क्लिक करते हैं जिससे आपकी सर्कल बन जाती है। सर्कल को लेने का शॉर्टकट C होता है। केवल अगर आप C लिखते हैं और एंटर दबाते हैं तो सर्कल टूल सेलेक्ट हो जाता है जिससे आप सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने कवर किया आर्क टूल, सर्कल टूल, रेक्टेंगल और ट्रिम। इन सभी टूल्स को आज हमने कवर किया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि इसका लाभ दूसरे को भी मिल सके। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।